ये मंकी लिफ्ट आपका सर कितने रुपए से स्टार्ट है आपके यहाँ? कुछ अगर मंकी लिफ्ट की बात करें सर, तो हमारे पास मात्र 46,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है इंडियन मेक में। अच्छा, देखिए सर, इसको ऑपरेट करना काफी आसान है। जैसे कि आप देखेंगे, इसमें एक इमरजेंसी दिया हुआ है जी। ये अप डाउन करने के लिए दो बटन दिए हुए हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी रिलीज करने के बाद हम अप डाउन करेंगे, इससे मशीन प्रॉपर ऑपरेट होगी। यहाँ फोकस करेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर ही वोल्ट मीटर दिया हुआ है जी जी, जिसमें आपको वोल्टेज दिखता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2, 4, 5, 2, 3, 9 अगर ये 180 से लेके 280 के बीच में है तो आप इजीली चला सकते हैं मशीन पे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अब मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आप ऑपरेट देखिए, जैसे हमने इसका ये अप का बटन दबाया, ये बहुत स्मूथली तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब हमने डाउन का बटन दबाया, ये बहुत स्मूथली तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता बिजनेस आइडिया के नए एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों जानते हैं, मैं जब भी आता हूं एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूं। आज इसी तलाश में बनारस चल के गाजियाबाद आ चुका हूं सर के कंपनी। आज हम जानेंगे और समझेंगे अपने घर से, अपने शहर से आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। साथियों, सर का कहना है ना, एक बार लगाएं जीवन भर कमाएं, और सबसे खास बात है इसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं, किराए में भी दे सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं आप छोटे मोटे ठेकेदार हैं ना, उसके तो बहुत ही काम का होने वाला मशीन है। आज हम जानेंगे और समझेंगे ये मशीन क्या काम करती है, कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज सर मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे वन बाय वन करके। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ। मेरे साथियों को एक छोटा सा परिचय दीजिए जो नए साथी आपको देख रहे हैं। सर जी, मेरा नाम अभिषेक है, मेरी कंपनी का नाम एम्पावर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है। बेसिकली हम लोग गाजियाबाद बेस हैं। हमारा जो एड्रेस है वो आपका मेरठ रोड पिलर नंबर 584 के पास है, प्लॉट नंबर 39 है। अच्छा जी, कितने प्रकार की मशीन सर बनाते हैं? सर मशीन तो अपने पास एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी ही मशीनें मिल जाती हैं। जैसे आपका कॉन्क्रीट वाइब्रेटर हो गया, राइड एंड रोलर हो गया, दुरमुस मशीन हो गई, या फिर आपको रेत छानने के लिए सैंड स्किनिंग मशीन हो गई, मसाला बनाने के लिए कॉन्क्रीट मशीन हो गई, मटेरियल चढ़ाने के लिए मंकी लिफ्ट हो गई, सारी टाइप की मशीनें हैं हमारे। सर आपने जितने भी मशीन बताया ना मुझे जी, ये सब बड़े अमाउंट की बात किया आप जी, बड़े पैमाने पे काम करने वाली ये मशीन आपने बताया। मैं चाह रहा हूँ मेरे साथियों को कोई ऐसा बिजनेस बताए जो 1 लाख से कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट हो सके। सर बेसिकली 1 लाख से नीचे तो अपने पास काफ़ी मशीन है, बट मैं ऐसी मशीन दिखाऊंगा जो सबके यूज में आती है। अच्छा, जिसकी रिक्वायरमेंट सबको पड़ती हो। जैसे गाँव में हमारे ठेकेदार भाई हैं या कॉन्ट्रेक्टर भाई हैं जिनको मटेरियल शिफ्टिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है, या फिर लेबर की दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है जी, आए दिन उन्हें इन बात की दिक्कत होती है कि टाइम से मटेरियल शिफ्ट नहीं हो पा रहा, किसी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो टाइम से आप बिल्डिंग रेडी करके नहीं दे रहे, ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल जाते हैं जी जी जी। उसके लिए हमने एक बेहतरीन मशीन डिज़ाइन की हुई है, जिसको हम बेसिकली मंकी लिफ्ट, मंकी होस्ट और मंकी क्रेन डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। अच्छा, उसमें से एक मॉडल है आपका ECS 45, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। मतलब ये मान लो कि ये मंकी लिफ्ट है जी, छोटा लिफ्ट, छोटा लिफ्ट, मतलब जैसे गांव में देखते होंगे बड़े बड़े लिफ्ट आते हैं, उसको बोलते हैं क्रेन, बोला जाता है हमारे भाषा में, गांव के भाषा में। तो ये क्रेन के बराबर का काम करने वाली है जी। ECS 45 है, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे आज। तो सर हम जरा वन बाई वन करके देखेंगे और समझेंगे जी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो मशीन पे किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग इसको कम में देते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बट हम कोट कम में करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात और बताइए सर कि आपके मशीन में लोगों के मशीन में क्या अंतर है? सर डिफरेंस तो देखिए काफ़ी आ जाता है। आप बेसिकली अगर डायमेंशन की ही बात करें तो लोग जो बूम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो 5 फिट का दे रहे हैं, हम जो बूम आपको दे रहे हैं वो 7 फिट का बूम है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी लोग वो की जो मशीनें हैं वो 3.5 के चैनल में बनती हैं, हम लोग प्रॉपर 4.2 का चैनल यूज कर रहे हैं। ये 100x50x5mm का चैनल है और सारा ही चैनल है, ऐसा नहीं है कि हमने बूम में ही सिर्फ 4.2 का चैनल यूज किया हुआ है, बेस से लेके विंच तक आप सारा चैनल देखेंगे प्रॉपर 4.2 का चैनल है। इसका फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता होगा? मान लीजिए किसी को तीसरे मंजिल पर लगाना, तो वो कैसे फाउंडेशन इसका बना पाएगा? सर इसके लिए कोई बेसिकली किसी तरीके का फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम इसमें आपका बेस बना के दे रहे हैं, ये डिसमेंटल हो जाता है, इसको आप ले जाके जैसे आपको ये खड़ी हुई दिख रही है सेम इसी तरीके से आपको अपने छत पे कॉर्नर पे जहाँ भी आप लगाना चाहें इसी तरीके से आपको इसको असेंबल करना है। मान लीजिए सर ऊपर से कोई नीचे माल भेजता है, फिर ऊपर ये कहीं पलट जाए तो क्या करना पड़ेगा? सर देखिए पलटती नहीं है, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जितना आपको वजन उठाना है जी बेसिकली इसके पीछे आप उतना वजन रखिए, उससे दुगना वजन आपको रखना है। अगर आप 400 उठा रहे हैं जी, तो आप 800 किलो इसके पीछे रखिए। इसीलिए हमने इसमें एक काउंटर बॉक्स भी दिया हुआ है, ताकि कभी भी आप चलाएं
गांव साइड में आपने देखा होगा कि मशीनें चल रही हैं, अचानक लाइट चली गई, तो उस केस में क्या होता है कि बैरिंग पे दिक्कत आती है। अब अचानक इसमें आया कि बैरिंग पे जर्क पड़ेगा, तो हमने इस दोनों बैलेंस को, दोनों साइड बैलेंस बनाने के लिए हमने इसमें एक प्रॉपर बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स का आप डायमेंशन देखेंगे सर, तो ये पूरा 26 इंची चौड़ा है और 36 इंची लंबा है। अच्छा जी, आपने और भी मशीनें देखी होंगी, बट उसमें क्या होता है, लोग छोटी छोटी 24-24 इंच का डायमेंशन बनाते हैं। हमारी मशीन का जो डायमेंशन है प्रॉपर 36 इंची का, 36x36 इंची है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसीलिए आपका कहना है कि ये फार्मूला जरूर समझ लिया कि कहीं 400 kg उसको ऊपर नीचे माल करना है तो 800 kg यहाँ माल, 800 आपको प्रॉपर इसमें रखना, वेट का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। जब तक इसमें आप वजन प्रॉपर नहीं रखेंगे तब तक आपको मशीन ऑपरेट नहीं करनी, यानी उतना वजन नहीं उठाना। अब एक क्वायरी रहती है लोगों की कि सर हम इसको छत पे शिफ्ट कैसे करें, तो छत पे शिफ्ट करने के लिए हमने इसको बहुत ही पोर्टेबल बनाया हुआ है, आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। ये मशीन 8 पार्टों में अलग हो जाती है ताकि शिफ्टिंग में आसानी हो सके, कोई भी एक या दो लोग इसको मिलकर छत पे रख सकें। अब जैसे बेसिकली जैसे सर मैं ये जानना चाहूँगा जो 8 पार्ट आपने बताया, ठीक है, तो मेरे साथियों को जरा बताइए सबसे पहले इसको खोलना हो तो कैसे खोलेगा। सबसे पहले खोलने के लिए आपको ये ट्रॉली यहाँ से हटानी पड़ेगी, जी ये हुक हटा के ट्रॉली हटानी पड़ेगी, राइट। ट्रॉली हटा के सबसे पहले ये आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये पुली, पिन निकालेंगे पुली निकल जाएगी जी, ये आपका वायर यहाँ से अलग हो जाएगा जी। फिर यहाँ से आप इसको, अभी तो हमने 2 नट लगाए, इसमें प्रॉपर 6 नट लगते हैं। अच्छा जी, इनको खोलने के बाद ये आपका बूम अलग हो जाएगा जी। अब रही इस बात की पार्ट, तो यहाँ से मोटर आप अलग करेंगे, इसके बाद में ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर में है आपका, ये अलग हो, ये विंच अलग हो जाएगा ऊपर का। इसके बाद नीचे का काउंटर बॉक्स आप हटा लेंगे जी, इसको यहाँ से खोल लेंगे, खोलने के बाद ये पिलर अलग हो जाएगा। अच्छा, और नीचे का बेस अलग हो जाएगा, मतलब ये मान लो कि सब कुछ अलग अलग करके सब कुछ असेंबल कर सकते जी। ये बहुत अच्छी बात है। आपके पीछे जो ये मशीन देख पा रहा हूँ, ये क्या असेंबल हो रहा है या अभी आधा सर? ये अभी आधा हो रहा है, इसमें मोटर शिफ्ट नहीं है। अच्छा। ये अपना सबसे छोटा मॉडल है, इसमें भी आप देखेंगे तो ये भी हमने प्रॉपर, इसमें भी काउंटर बॉक्स आपको पीछे मिलेगा, यहाँ मोटर लगती है, अभी लगी नहीं है इसमें। अच्छा। प्रॉपर इसका 7 फिट का बूम है, इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी होती है सर ये 250 से 300 किलो की होती है। अच्छा जी, और ये जो एक और मशीन देख रहा हूँ जिसका कलर ही अलग बना रखा आपने, इसका क्या राज है? वो एक्चुअली हमारे एक आसाम के क्लाइंट है। अच्छा जी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे हरा कलर चाहिए, तो हमने हरा करके दिया है। देखिए ये मशीन ना कस्टमाइज है, ये अच्छा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी है। इसमें आप देखेंगे तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस का भी डायमेंशन आप देखेंगे चेंज है। अच्छा, इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है ये 500 किलो की है, क्रॉम्पटन की मोटर है इसमें साथ में, क्लासिक का गियर बॉक्स है। क्लाइंट की एक अलग से रिक्वायरमेंट थी कि उनके साइड पे लोग अप्रूव नहीं कर रहे, तो हमने इसमें एक रिमोट के साथ एडिशनल पैनल भी दिया है। अच्छा। बेसिकली इसकी नीड नहीं होती, फिर भी उनका अप्रूवल, फिर भी देखिए आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमें आपके अकॉर्डिंग चलना है। बिल्कुल, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी तो हमने अलग से एक पैनल दे दिया इसमें। इसी तरीके से जिस क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर देते हैं मशीन में, कलर वाइज है, डायमेंशन वाइज है, या फिर बॉक्स वाइज है। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आती है कि टूल बॉक्स बना के दीजिए, तो वो भी देते हैं। मान लीजिए मंकी लिफ्ट आपका सर कितने रुपए से स्टार्ट है आपके यहाँ? अगर मंकी लिफ्ट की बात करें सर, तो हमारे पास मात्र 46,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इंडियन मेक में। अच्छा, मैं चाइनीज की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खड़े हैं, हम चाइनीज किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करते। बहुत, हमारे पास जितना स्ट्रक्चर मिलेगा कस्टमाइज मिलेगा और इंडियन मिलेगा, सब इंडियन मॉडल, सारा इंडियन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप चाइना से ला के बेच रहे हो, ऐसा नहीं है? नहीं सर, आप अपने सामने देखेंगे सारा स्ट्रक्चर, इधर आप देखेंगे ये ट्रॉली बन रही है, ये सारा मंकी लिफ्ट है, ये छोटे पार्ट का गियर बॉक्स है, आप देखेंगे गियर बॉक्स रखा हुआ, अलग अलग सारे मटेरियल रखे हुए हैं। आप इस व्हील की बात करें तो लोग व्हील नहीं दिखाएंगे, आप इस व्हील में 7.5 किलो वजन है। बिल्कुल देख रहा हूँ सर, बहुत हैवी है ये तो। बहुत हैवी है, तक क्या कि 2-2 साल 3-3 साल किसी भी तरीके का किसी को दिक्कत ना। ये ट्रॉली आप देख रहे हैं, ये किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, ये कितने एमएम लोहा में बनाया है? सर ये प्रॉपर जो ट्रॉली है अपनी, ये 16 गेज की सीट में बना हुआ है। अच्छा, जिसमें आपका ये 32-3 के एंगल से फ्रेमिंग की हुई है, 35-5 का एंगल ऊपर लगा हुआ है, 32-3 का एंगल नीचे लगा हुआ है, प्रॉपर सपोर्ट है। जी जी, पिन बने हुए हैं, लैग्स भी इसके एंगल के हैं, कहीं भी इसमें भी आपका हैंडल छोड़ के कहीं भी पाइप वर्क नहीं है। देख सकते साथियों, एक नहीं, आप जहाँ तक नजर घुमाएंगे ना वहाँ तक सिर्फ आपको यही मैटेरियल मशीन के पीछे जो हम काउंटर बॉक्स लगा रहे हैं, आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी प्रॉपर 45-5 का एंगल की यूज किया हुआ है। आप अभी जो एंगल मशीन मैंने आपको असेंबल करके दिखाया है, जी, उसका जी, ये बेसिकली पार्ट है। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर एंगल यूज किया हुआ है, ये सारे बन रहे हैं, अलग अलग पार्ट आप देखेंगे, ये सारे रनिंग कंडीशन में है, क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे चेंजेस होते हैं।
सर एक बार मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने ये मशीन दिखाए हमको बताएं, इसकी क्या कोई वारंटी गारंटी भी देते हैं? सर सारी मशीनों की एक साल की वारंटी है जी, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सारा हैवी ड्यूटी में कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो बैरिंग की साफ्ट हो या बैरिंग का हॉजिंग हो या फिर बैरिंग का मेक हो, हम इस केएफ की बैरिंग लगा के दे रहे हैं, प्रॉपर हॉजिंग में काम कर रहे हैं। एडिशनल आजकल मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं जो इन सब चीज़ों ये लोग बना रहे हैं, बट वो क्या करते हैं डायरेक्टली साफ्ट में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप मशीन में मटेरियल लिफ्ट करेंगे तो टर्निंग करने में, जैसे 360 डिग्री घुमाने में जी जी आपको दिक्कत आएगी। आप देखिए ये मशीन है, आराम से घूम रही है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। एक बात और, मैं ऑपरेट करने पहले ये जानना चाहूँगा, मान लीजिए कोई आपसे ये मशीन जब परचेज करता है, खरीदता है, क्या उसको भी ऑपरेट करके दिखाते हैं? जी उनको ऑपरेट करके दिखाते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम पहले इंस्टॉल करते हैं, उनको दिखाते हैं, पहुंचने के बाद भी हमारी टेक्निकल सपोर्ट उनसे जुड़ी रहती है, वारंटी तक भी और वारंटी के बाद भी वो कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, साल दो साल भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को इंस्टॉल करना है या फिर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इंस्टॉल करें, तो 12 घंटे तक सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, मान लीजिए इसमें से कोई एसेसरीज या कुछ खराब हो जाता है पार्ट, तो वो कैसे अवेलेबल कराते हैं? सर देखिए बेसिकली जो हमने पार्ट इसमें यूज किए हैं जनरली खराब नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक आइटम है जी, इनकेस खराब भी हो गया तो आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा, और अगर अंडर वारंटी है जी तो एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पहुंचा के देंगे। अच्छा ये कंपनी का दावा? जी कंपनी का दावा। अब मैं चाहूंगा इसको ऑपरेट करके दिखा। जी ऑफकोर्स दिखा रहा हूँ। देखिए सर इसको ऑपरेट करना काफी आसान है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें एक इमरजेंसी दिया हुआ है जी, ये अप डाउन करने के लिए दो बटन दिए हुए हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी रिलीज करने के बाद हम अप डाउन करेंगे, इससे मशीन प्रॉपर ऑपरेट होगी। यहाँ फोकस करेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर ही वोल्ट मीटर दिया हुआ है जी जी, जिसमें आपको वोल्टेज दिखता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 245239 अगर ये 180 से लेके 280 के बीच में है तो आप इजीली चला सकते हैं, मशीन पे किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अब मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, आप ऑपरेट देखिए। जैसे हमने इसका ये आपका बटन दबाया, ये बहुत स्मूथली तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब हमने डाउन का बटन दबाया, ये बहुत स्मूथली तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। एक बार और करो, बहुत अच्छा। एक बार में सर क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी इसकी? सर इसकी जो प्रोडक्शन लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी आपकी 400 से 500 किलो है। अच्छा जी, इस पे काम करते हैं तो ये 700 किलो वजन भी उठाती है। अच्छा जी, सिंगल फेज में है सर, बेसिकली इसके फीचर्स ही यही है, जैसे ही आप एक दो फ्लोर पे लगाते हैं तो ये 700 किलो वजन उठाएगी, अगर 5-6 फ्लोर पे लगाते हैं तो 400 से 500 उठा सकते हैं। आप जो भी मशीन बना रहे हैं सब सिंगल फेस में बना दे या त्रिफल? नहीं नहीं सर, सर थ्री फेस भी हैं, इससे बड़ी भी मशीनें हैं अपने पास। अच्छा जी, अभी क्या है कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये सबके यूज के ही हैं। सबके यूज के लिए जी। सर इसका क्या फीचर जरा कुछ इसके बारे में बताइए, चमचमा रही है। ये है कि आप देखेंगे इसका जो ड्रम साइज है ये प्रॉपर आपको 19 इंच का ड्रम साइज है। अच्छा जी, 10 mm का वायर रॉप है, वो भी स्टील कोर में। अच्छा, आपकी इसकी बनावट देखेंगे तो बहुत ही ट्विनिंग में है, बहुत ही कर्व में इसकी वेंडिंग है, ये कितना भी रोटेशन हो ले ये वायर रॉप खुलता नहीं है। अच्छा जी, जी इसकी खासियत यही है, मोटर की खासियत ये है कि इनबिल्ड है, मैग्नेटिक ब्रेक है इसमें, गेयर बॉक्स है, साथ में वाटर प्रूफ मोटर है, अगर आप छत पे भी लगा के चलाते हैं और बारिश भी आती है तो मोटर को किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आता। एडिशनल अगर आप इसमें मोटर का कवर बनवाना चाहते हैं तो वो भी कस्टमाइज है, वो भी प्रॉपर बना के दिया जाए। अच्छा, बाकी ये मान लो कि पानी से कोई भी फर्क नहीं, पानी से कोई फर्क नहीं होता, बट अगर रिमझिम हल्की बारिश आती है तो, ज़्यादा बारिश आएगी तो कोई भी दिक्कत आएगी सर, थोड़ा बहुत पानी कहीं ना कहीं से चला ही जाता है। अच्छा जी, सर इस ट्रॉली में कोई फीचर उचर दे रखे हैं क्या? जैसे कि आप देखेंगे सर जो दूसरी मंकी आपने देखी होंगी उससे एक बेहतरीन फीचर इसमें दिया हुआ है। होता क्या है कि जब ट्रॉली ऊपर की तरफ आती है तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ट्रॉली घूमने की वजह से वायर रॉप खुलता है। अच्छा, इसमें हमने जो वायर हुक दिया हुआ है ये एंटी रोटेड है, ये हुक घूमेगा ट्रॉली नहीं घूमेगी, आप देखेंगे ना तो नीचे से पार्ट नहीं घूमेगा ऊपर का पार्ट घूमेगा। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे प्रॉपर बैरिंग का ध्यान रखा गया है, मतलब ये मान लो कि इसमें ट्रॉली नहीं घूमेगा हुक घूमेगा जी, और वायर रॉप की लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। मैं आपकी कंपनी से देख रहा हूँ, जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक तमाम ऐसी मशीनें आप मुझे दिखाएं। अब मान लीजिए किसी साथी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना और ये मशीन लेना है तो कैसे ले सकता है? सर किसी भी साथी को अगर मशीन पसंद आ रही है तो हमारे नीचे वीडियो के नीचे दिए हुए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और मशीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो ले सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करके।
अच्छा जी, मुझे बताइए सर कि अब ये कोई मशीन आपका कंपनी आके भी ले सकता है या ऑनलाइन ही मंगवा सकता है? सर दोनों तरीके से ले सकते हैं, आप आके लेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर आने में असमर्थ हैं जो लोग देख रहे हैं दूर से, दूर दराज कोई, आसाम से कोई, बिहार से, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके फैक्ट्री का एड्रेस, फैक्ट्री की लोकेशन ले कर विजिट कर सकते हैं, अगर आने में असमर्थ हैं तो कॉल करके इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए सर, अगर जो भी भाई बंधु हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस मशीन को लेना चाहते हैं, एक नया रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, रेंट पे लगा के कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, एक बेहतरीन मशीन आपको दी जाएगी जिससे आप गांव में भी बैठ के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू सर।